हरे दिल से स्वागत है। जैसे कि आरबीएन के स्टॉक के आपको सबको पता ही होगा, रेलवे विकास निगम लिमिटेड स्टॉक का नाम है और लगातार आपका 74% से लेके 77% का वन मंथ में रिटर्न दे चुका है। स्टॉक में आप देख सकते हो कि कितना बढ़िया तेज़ी दिखा चुका है और एक लगातार एक अप मूव दिखा चुका है। और आप क्या करें सब कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन वीडियो में बने रहिएगा। और जो लोग पहले हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो अभी के चैनल मनी मेकर 2307 को। जैसे कि मैंने बोला था कि 118 के जो सपोर्ट लेवल है, 118 का जो सपोर्ट है, इसको स्टॉक अभी नहीं तोड़ सकता है, क्योंकि आपका जो टेक्निकली एनालिसिस जो करके जो अभी देखने को मिल रहा है कि ये सपोर्ट अगर नहीं तोड़ सकता, इसलिए क्योंकि इनको ऑर्डर इतना ज़्यादा मिला है। इनको 50,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है। कितना? 1-2 करोड़ नहीं, नवरत्न स्टेटस भी मिला है। ऊपर से 50,000 करोड़ का आपको कल का आर्टिकल में, कल वीडियो बना के बताया हूँ कि कहाँ से मिला है 50,000 करोड़ का। मुंबई मेट्रो, फिर आपका जो इंदौर का स्टेशन को रीडेवलप करने के लिए, फिर आपका यहाँ सेंट्रल एनसीआर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे को प्रोजेक्ट मिला हुआ है। तो रेलवे का सारा प्रोजेक्ट इस कंपनी को मिल चुका है। तो समझ सकते हो कि रेलवे में इस स्टॉक ने पूरा एकदम ही बहुत ही बढ़िया तरीके से आपका प्रोजेक्ट जमा लिया है। गवर्नमेंट पीएसयू स्टॉक है और पीएसयू स्टॉक होने के बाद भी 77% का रिटर्न दे चुका है वन मंथ के अंडर। तो अभी क्या है स्टॉक, जैसे कि मैंने बताया था कि लेटेस्ट जो सपोर्ट है वो 118 है। तो 118 अगर टूटेगा तो कहाँ जाएगा, सब कुछ डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो देख लेते हैं। तो 118 के बाद अगर आप देखोगे, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा यहाँ, तो देख सकते हो कि ये जो पॉइंट है 107, फिर नेक्स्ट सपोर्ट है 107 रुपये का। तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिलने के बाद कोई स्टॉक का प्राइस आपका 120 के आसपास रहेगा। ये मतलब अनलॉजिकल है, क्योंकि आप अर्निंग पर शेयर के हिसाब से भी अगर प्राइस देखा जाए तो 320 के आसपास निकल के आ रहा है। 320 के आसपास शेयर का प्राइस निकल के आ रहा है, 120 पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी तक कुछ भी नहीं भागा, अभी भी स्टॉक में आपका 400% का जंप देखने को मिलेगा। 400 चार गुना करेगा पैसा आपका, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। और 50,000 करोड़ अगर कोई प्रोजेक्ट मिला है तो उसमें प्रॉफिट भी तो होगा। उसमें आपका मान के चलो, मैं एकदम मिनिमम मान लेता हूँ कि 1,000 करोड़ का भी अगर प्रॉफिट होगा तो फिर भी आपका स्टॉक में तो प्राइस जो है आपका 280 से लेके अर्निंग पर शेयर, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, ये और सेक्टर पीबी को देखते हुए मैं कैलकुलेशन करके देख रहा था कि 280 आपका उसका मिनिमम बेस प्राइस, मिनिमम स्टॉक का प्राइस निकल के आ रहा है। तो उसमें से अभी भी आपको 123% का रिटर्न होने का पॉसिबिलिटी है स्टॉक का, जो वैल्यूएशन में अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों कि करंट मार्केट प्राइस में बिल्कुल बाई कर सकते हो, अभी भी कुछ भी नहीं भागा है। और स्टॉक अगर देखा जाए तो यहाँ से देख सकते हो कि ये जो लेवल है, यहाँ से एक अप ट्रेंड ब्रेकआउट करेगा, और जिस दिन इसने ये 143 का रेंज को तोड़ेगा, 143 इसका मेन रेजिस्टेंस है अभी, 143 का लेवल जिस दिन ये आरबीएनएल का स्टॉक तोड़ देगा, तो उस दिन आपको देखने को मिलेगा बड़ा खेल। उस दिन आपको 150 प्लस टारगेट जाते हुए दिखेगा और धीरे धीरे आपको ये 200 के पार हो जाएगा, क्योंकि इतना दिन कंसोलिडेट के बाद यहाँ टेक्निकली जो स्टॉक जो है, तो आरएसआई जो है आपका 60 के आसपास आ गया आरएसआई, और अभी आरएसआई बुलिश में है, तो कभी भी आपको 10% का सर्किट लगते हुए देख सकता है। तो 10% रिटर्न कभी भी आरबीएनएल स्टॉक में अभी आ सकता है, और 118 को सपोर्ट में लेते हुए आपको अच्छा खासा आपको ऊपर के लेवल दिखा सकता है। तो सब कुछ बता दिया हूँ, 143 का लेवल अगर तोड़ता है तभी 150 प्लस टारगेट आपको देखने को मिलेगा। और स्टॉक में बने रहिए बिल्कुल शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और स्विंग ट्रेड तीनों के लिए। और करंट मार्केट प्राइस में बेचने का बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा। अगर अभी यहाँ से बेचने का गलती करोगे तो एक बड़ा प्रॉफिट, जैसे मैंने बता रहा था कि 300% का भी रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। नवरत्न स्टेटस मिला है तो मतलब बहुत बढ़िया स्टॉक का परफॉर्मेंस है, और आने वाले पीएसयू स्टॉक है, कोई घबराने की जरूरत ही नहीं है।
तो आगे मूव होगा और गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके देखना पड़ेगा गवर्नमेंट क्या क्या सोचे। गवर्नमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बहुत ज़्यादा आपका जोर दिया हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेके, तो उसमें RBNL का बहुत बड़ा रोल प्ले रहेगा, RBNL का बहुत बड़ा रोल प्ले रहेगा, तो उसमें आपको बहुत ही ज़बरदस्त आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। तो अगर वीडियो एनालिसिस अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना आप ही के चैनल मनीमेकर 2307 को।